राष्ट्रपति बनने के बाद एक दफा राजेंद्र बाबू से पूछा गया कि आप अपने गांव का विकास क्यों नहीं करते। तब उन्होंने जवाब दिया था कि जब तक पूरे देश का विकास नहीं हो जाता, मैं अपने गांव का विकास नहीं करूंगा। ये वो दौर था जब आजादी की लड़ाई जीतकर निकले पुरोधा पूरे देश को अपना गांव अपना घर मानते थे। साल बदला, दशक बीता और विकास की बाट जोहते जोहते गुजर गए 70 बसंत। विकास की रेस में देश तो कई कदम आगे निकल गया, लेकिन राजेंद्र बाबू का गांव मानो वहीं ठहर गया। हम इस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव में हैं। इस गांव का नाम जीरादेही है, जीरादेही जो सिवान जिले में और बिहार राज्य में पड़ता है। इस गांव को आदर्श ग्राम का तमगा हासिल है, ASI इसकी देखरेख करता है। लेकिन क्या वाकई में इसकी तरक्की हुई है? क्या वाकई में इस गांव को जितना मिलना चाहिए उतना मिला है? या वाकई में इस गांव के लोगों को जो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए क्या वो मिल पाई है? आज हम वो देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ के आसपास के लोगों की ज़ुबानी, और आपको लल्लन टॉप के कैमरे की नज़र से हर वो चीज़ दिखाना चाहेंगे जो इस चुनावी दौर में लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। सीवान जिले के जीरादेही गांव के जिस घर में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ, उस घर की देखरेख ASI के हाथों में है। लल्लन टॉप के खास चुनावी सेगमेंट नेताजी के गांव में हम विकास का जायजा लेने पहुंचे जीरादेही। यहां राजेंद्र बाबू के गांव से लेकर उनके घर तक सभी कुछ खस्ता हाल में मिला। जिस जीरादेही गाँव और बिहार को राजेंद्र बाबू के नाम से पहचान मिली, उसी बिहार में राजेंद्र प्रसाद के घर और गाँव को सरकार सहेज नहीं पाई। सबसे तो दुख की बात है कि जीरादेही के लोग को एकजुट होकर किसी नेता को आने नहीं थे। गांव के पुजारी की बातों से विकास की दौड़ में पिछड़ने का दर्द समझा जा सकता है। गांव में विकास की पड़ताल करने के दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि राजेंद्र बाबू के घर को देखने देश विदेश से लोग आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, फक्र से बताते हैं कि वो स्वतंत्र भारत गणराज्य के पहले राष्ट्रपति के गाँव पहुंचे हैं। लेकिन वो तमाम खुशी उस वक्त पीड़ा में बदल जाती है जब उन्हें शौचालय के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। राजेंद्र प्रसाद के घर के आसपास हमें कहीं कोई शौचालय नहीं दिखा जिसका इस्तेमाल लोग यहां आने के दौरान कर सके। ये तो पर्यटन स्थल घोषित है, अगर विजिटर आते हैं घूमते हैं तो जाहिर सी बात है कि इंसानी फितरत है शौच वोच तो कहाँ जाएंगे। एक तरफ आप शौचालय के लेकर लोहिया अभियान चला रहे हैं, तरह तरह की योजनाएँ बता रहे हैं कि खुले में शौच नहीं, ये नहीं, फिर इसको आप मुक्त क्यों रखें? अगर विजिटर आएंगे तो किसके दरवाजे जाएंगे? तो जवाब क्या मिला? हम लोग उसको ऑटोबायोग्राफी एक बार के माध्यम से मिला लिखे थे लोग, लेकिन उसका अभी तक कोई ज़मीनी पर हकीकत नहीं उतरा, जैसे कि तैसे ही पड़ा रह गया। लेकिन उससे ना ही प्रशासन इस पर अपना कोई रवैया अपनाई, ना ही जनप्रतिनिधि से कोई उम्मीद मिला। मन में इच्छा हुई ये जानने की कि जिस आधुनिक भारत के शिल्पकार और देश के पहले राष्ट्रपति के घर हम खड़े थे, वहाँ कम से कम दो मौके पर नेताओं का तांता तो जरूर लगता होगा, पहला जन्मतिथि और दूसरा पुण्यतिथि, जिसका जवाब हमें कुछ सेकंड के भीतर तो मिल गया, लेकिन किन शिकायतों के साथ वो खुद ही सुन लीजिए। देखिए, यहाँ पे जिस तरह से पर्यटक स्थल है और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है, देश में नामी गिरामी देश की आज़ादी से लेकर हर चीज़ में इनका अच्छा योगदान रहा है, जिस हिसाब से इस जगह की डेवलपमेंट होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। सरकार के वो बड़े बड़े मंत्रियाँ यहाँ पे आते हैं, हर साल इनके जन्म पुण्यतिथि पर आते हैं, कोई भी अकेंडली आते हैं, बस आते जाते रहते हैं। जिस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए बिल्कुल नहीं हो पाया। गाँव में राजेंद्र प्रसाद की याद में बनी कई चीज़ें खत्म हो चुकी हैं या फिर खत्म होने के कगार पर है। जीरादेही गांव में हमें वो आयुर्वेदिक अस्पताल भी मिला जिसे राजेंद्र बाबू ने अपनी पत्नी राजवंशी देवी के नाम पर बनवाया था। ये सुनने में ठीक उसी तरह लगेगा कि जिस तरह शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में भव्य ताजमहल बनवा दिया था। हालांकि ताजमहल सीना ताने खड़ा है, लेकिन राजेंद्र बाबू की पत्नी के नाम पर बना आयुर्वेदिक अस्पताल दम तोड़ चुका है। ये आयुर्वेदिक जो अस्पताल आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति महोदय के पत्नी के नाम पर है, उन्हीं के याद में। जैसे लोग कहते हैं कि ताजमहल किनके याद में बन गया, वैसे उनका बहुत इच्छा था, क्योंकि उस समय देसी चिकित्सा का बहुत महत्व हुआ करता था और स्वयं राजेंद्र बाबू दम्बा के पेशेंट थे, तो इनका ये मानना था कि इसका इलाज देसी चिकित्सा से ज़्यादा होगा, तो हम लोग तो कर लेते हैं लेकिन जो गाँव देहात के लोग हैं वो कैसे करेंगे। तो वो निवेदन की, और स्वयं जब ये राष्ट्रपति थे राजेंद्र बाबू, तो अपने कर कमलों के द्वारा इसका शिलान्यास
किए थे, लेकिन अब शासन प्रशासन की जो व्यवस्था कहें इसकी दुर्दशा तो आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के आह्वान पर सांसदों ने अपने क्षेत्र से एक एक गांव को गोद लेना शुरू किया था। उसी में राजेंद्र बाबू के गांव का भी नंबर आया। सीवान से बीजेपी के सांसद रहे ओम प्रकाश यादव ने जीरादेई के विकास का जिम्मा लिया। तय हुआ कि राजेंद्र बाबू की पत्नी की याद में बने आयुर्वेदिक अस्पताल की स्थिति सुधारी जाएगी। उसके बाद जीरादेई गांव में अधिकारियों की टीम पहुंची, अस्पताल का मुआयना किया गया, वादे किए गए कि अस्पताल को सुधारा जाएगा, लेकिन उन वादों का क्या हुआ खुद सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि 2 माह में इसको हम पूरा बनवा देंगे, संजय कुमार सिंह जी जिला पदाधिकारी थे, लेकिन अब पता नहीं अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन उसमें कहा गया था जब ये गोद लिया गया था, माननीय सांसद जी इसको जीरादेई को ही गोद लिए थे, लेकिन कोई काम हुआ नहीं। गांव के आयुर्वेदिक अस्पताल की बदहाली पर गांव के पुजारी काफी भड़के मिले। उन्होंने सरकार पर सीधा सवाल दागा है। नहीं है, वो मोदी बैठा हुआ है दिल्ली में, जीरादेई का नाम नहीं सुनना चाहता है, दुख से ही बात कहते हैं। एक हॉस्पिटल है राजवंशी देव, राजमन का औरत वो गिर रहा है, कोई बनाने वाला नहीं है। रोज, हाँ रोज स्वास्थ्य की बात होती है, और हमारे ओम प्रकाश जी गोद लिए, कुछ नहीं किए। राजेंद्र प्रसाद विकास पसंद व्यक्ति थे। साल 1955 के दौरान जब वो अपने गांव जीरादेई पहुंचे हुए थे, तब उनके पड़ोस के गांव के जमींदारों ने उन्हें कुछ जमीन दान में दी थी। उस जमीन पर राजेंद्र प्रसाद ने कृषि विद्यालय की नींव रखी। मकसद था कि स्थानीय किसानों को कृषि की नई तकनीक सिखाई जाए, जिससे पैदावार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो। इस दौरान राजेंद्र प्रसाद ने भोजपुरी में भाषण दिया था। 1955 में उन्होंने कृषि विद्यालय का नींव रखा और उन्होंने भोजपुरी में वहाँ भाषण दिया था कि खेती के सीखे खातिर जौन विद्यालय बा ओकर बहुत एजा आवश्यकता बा। राजेंद्र प्रसाद से जुड़ा किस्सा बताते हुए कृष्ण कुमार बताते हैं कि भाषण के बीच में ही किसी ने राजेंद्र बाबू को टोक कर कहा था कि आप तो बड़े आदमी बन गए हैं। इस बात के जवाब में राजेंद्र प्रसाद ने दिल जीतने वाली बात बोली थी। ये खेत के तह लो देखा लो, एमे जौन ईख के फसल लागल बा ई कैसन लागल बा, तो उइमे लोग कहल कि सब तो ठूठी बा, एगो बहुत बढ़िया बा। तो राजेंद्र बाबू उदाहरण देकर समझाए कि इस इलाके में एक मैं बन गया तो इलाका नहीं ना बना, सबको ऐसा बनना चाहिए। जैसे कि ये ठूठी जो है खेत तो किसी लायक नहीं है, एक ही ऊख इसमें कामयाब है, उसी तरह से हम चाहते हैं कि यहाँ कृषि विद्यालय खोला जाए और कृषि विद्यालय खोलकर सबको कृषि संबंधी शिक्षा दिया जाए। उम्मीदों के साथ तैयार हुआ वो कृषि विद्यालय 1967 में पूरी तरह खत्म हो गया। खैर, राजेंद्र बाबू के गांव में शिक्षा व्यवस्था की हालत भी काफी डमाडोल दिखी। स्थानीय लोगों ने बताया कि शिक्षा की स्थिति थोड़ी और सुधरनी चाहिए। सरकार से इस बात की अपील करते हुए कृष्ण कुमार ने हमें राजेंद्र प्रसाद के विद्यालय के दिनों का एक किस्सा सुनाया। और राजेंद्र बाबू की कॉपी पर अंग्रेज शिक्षक लिखा था कि परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर परीक्षार्थी है, उनकी कॉपी पर लिखा गया था। और वैसे व्यक्ति के गांव में पीजी स्तर का पढ़ाई नहीं है, स्नातक स्तर का पढ़ाई नहीं है, ये दुर्भाग्य। हाँ, और इससे नुकसान क्या हो रहा है कि आधी आबादी मीन्स यहाँ की लड़कियाँ इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं। राजेंद्र प्रसाद की बात हो और उनकी सादगी का किस्सा सामने ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। 1962 में राष्ट्रपति पद से हटने के बाद राजेंद्र प्रसाद पटना के सदाकत आश्रम में रहने चले गए और वहाँ उनसे मिलने गए पुजारी उन दिनों के किस्से को याद करते हुए बताते हैं। 62 में एक बारात में हम गए थे, तो उसी बारात में पता चला कि राजेंद्र रिटायर होकर आए हैं, तो सदाकत आश्रम में खपड़ेला मकान था, तो वहाँ पर हम गए, पूछ ले कि ककर लड़का हो, तो हम कहीं जुर्मन रह के, तो हमारे बचपन के दोस्त हमन। ये राष्ट्रपति पद से रिटायरमेंट के बाद की बात हुई। जब राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति भी थे तब भी उनकी सादगी लोगों के दिल जीत लेती। जब वो राष्ट्रपति थे और अपने घर आए हुए थे, अपने घर में रुके हुए थे, सुबह में उनको गांव भ्रमण जाना था,
तो वो मेन दरवाजे से नहीं निकले, वो पीछे के दरवाजे से निकले और पीछे के दरवाजे से जाकर गांव वालों से मिले। घंटों बाद जब जो प्रोटोकॉल में लगे हुए थे उन लोगों को पता लगा तो वो लोग बेचैन हुए और दौड़े दौड़े गए। तो वो चाहते नहीं थे कि मेरे चलते किसी को कष्ट हो। 1962 में रिटायरमेंट के बाद साल 1963 में राजेंद्र प्रसाद इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनका अंतिम संस्कार पटना में किया गया। गांव वालों ने शिकायती लहजे में कहा कि उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में होना चाहिए था, गांव में उनकी समाधि होनी चाहिए थी जिसके पास जाकर लोग शीश न पा पाते। बिहार सरकार सबसे गलती किया, वो उनका यहाँ पर ही होना चाहिए, अंतिम मिट्टी में अंतिम सरकार जीरादेही होना चाहिए पटना। जब जन्मपुरी ममपुरी सुहावन जहाँ बहे सर्जन रजनो जीरादेही खिन थे तो ये बात कोई कहने वाला वहाँ नहीं था। हाँ तो बाबोई में गलती लोग किए हैं, जीरादेही में रहता तो लोग समाधि पर आते देखते। इस गांव की हालत हमने आपको दिखाई, इस गांव की समस्याएं हमने आपको सुनाई, इस गांव के हर उस व्यक्ति से मिलवाया जिनके मन में पीड़ा है इस बात की कि राष्ट्रपति का गांव होने के नाते भी इस गांव को उतनी देखरेख नहीं की गई, इस गांव को उतनी सुविधा नहीं दी गई जिसकी उन्हें दरकार थी। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अगर राजेंद्र बाबू बिहार के ना होकर के किसी और राज्य के होते तो यहाँ की व्यवस्था और यहाँ की शक्ल कुछ और होती। ये नेताजी के गाँव का खास सेगमेंट का हिस्सा था। कैमरे के पीछे जेरी है, मैं हूँ अभिषेक। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।